तो जनाब, एक बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के लिए आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में, और बड़ा प्रोपेगेंडा किया था भारत ने, भारतीय मीडिया ने, कि आईसीसी कॉन्फ्रेंस में हाइब्रिड मॉडल पर बात होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट करने पर बात होगी, और भारत अपने मैचेस दुबई या श्रीलंका में खेल सकता है, इस पर बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कोई हाइब्रिड मॉडल पर डिस्कशन नहीं हुई, कोई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट करने पर डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि उल्टा आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने जो बजट बनाया था उसको अप्रूव कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि आईसीसी अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम से मुतमईन है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आप पाकिस्तान में ही देखेंगे, और तमाम टीमें आपको पाकिस्तान में खेलती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह हमने एक दो रोज़ पहले बताया था कि अभी भी जाहिर है भारत हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किलात खड़ी करता है, तो बैकअप प्लान के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये जवाज़ बनाता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त नहीं दे रही पाकिस्तान में खेलने की, तो या तो पब्लिक स्टेटमेंट उनको देनी होगी, या फिर तहरीरी तौर पर लिखकर देना होगा कि भारतीय गवर्नमेंट का ये फैसला है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। क्योंकि पहले भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड यही बहाने बना चुका है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त नहीं दे रही पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन इस मरतबा उनको प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, आईसीसी का इवेंट है जिसमें तमाम ममालिक जो है वो बाउंड होते हैं शिरकत करने के लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी भरपूर मेहनत कर रहा है, जो आईसीसी इजलास के साइडलाइंस पर भी काफ़ी चीज़ें सामने आई, लेकिन एक चीज़ जो एक दो रोज़ पहले रिपोर्ट हुई कि शायद मोहसिन नकवी और जय शाह की मुलाकात में, मोहसिन नकवी पाकिस्तान और भारत की जो बायलेटरल सीरीज है उसके हवाले से बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायलेटरल सीरीज अभी पाकिस्तान का तरजीहात में शामिल नहीं है, प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है, क्योंकि एक पैक शेड्यूल है पाकिस्तान का पूरे इस साल में। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको पता है कि बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान भी आना, फिर पाकिस्तान ने भी अवे टूर्स करने हैं, फिर तीन मुल्की सीरीज भी है चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले पाकिस्तान में। तो ये जो खबर चलाई गई थी कुछ मीडिया हाउसेस की जानिब से कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बायलेटरल सीरीज भी हो सकती हैं, इसका अभी तक जो है इम्कान कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी ही अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए सामने आ रही हैं कि ये इवेंट पाकिस्तान में होगा, 8 टीमें आपको यहाँ खेलती हुई नज़र आएंगी, और 1280 करोड़ रुपए, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही 1280 करोड़ रुपए अपने 3 स्टेडियम्स पर खर्च कर रहा है, बहुत बड़ी रकम होती है, तो ये ज़ाया नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि तमाम टीमें यहाँ पर आकर खेलें, और अगर नहीं खेलती तो फिर ये भारत के पास लास्ट चांस होगा, क्योंकि चैंपियंस 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी, और 2031 का 50 ओवर वर्ल्ड कप है, ये तमाम इवेंट्स भारत में होने हैं, फिर पाकिस्तान भी ये जवाब बना सकता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो भारत में खेलने की इजाज़त नहीं दे रही। हालांकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा अब से कुछ देर पहले ये बयान दे चुका है कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड, तो हमारी तरफ से तो हमेशा पॉजिटिव और ग्रीन सिग्नल ही मिलता है पाकिस्तान टीम को, लेकिन भारत की गवर्नमेंट और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया जाए, और इस मरतबा भी पूरी कोशिश वो करेंगे। अभी तक तो पाकिस्तान के पास आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पर है पाकिस्तान, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किलात वो क्रिएट करेंगे। आपको पता है कि वो अफगानिस्तान भी बड़ी सुनता है उनकी, तो अफगानिस्तान से भी कुछ ऐसी ट्विटर हैंडल से ऐसी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में खेलने पर तश्वीश है, और ये वो, ये सब किसके कहने पे हो रहा है या आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो हर तरीके से भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुश्किलात क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मरतबा हर चीज़ का प्लान भी जो है वो तैयार किया हुआ है। अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जीत किसकी होती है, क्या तमाम टीमें आपको यहाँ खेलती हुई नजर आएंगी, या फिर एक मरतबा फिर हाइब्रिड मॉडल होगा और भारत आपको पाकिस्तान से बाहर खेलता हुआ नजर आएगा।